नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित आर्य और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल भारत योगी पर। सब्सक्राइब कीजिए भारत योगी को, बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले हेल्थ वीडियो पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, भारत योगी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जब भी मौसम बदलता है तो सर्दी खांसी होती है, बुखार होता है। यदि हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो हम इनसे बच सकते हैं। पहली बात तो जब हमारी प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर पड़ जाती है तो हमें मौसम के बदलाव के साथ साथ बीमारियां झेलनी पड़ती हैं। और कुछ हमारा जो दिमाग है ये भी इसमें अपना रोल निभाता है, क्योंकि हमारे दिमाग में बात घुस चुकी है कि जब मौसम बदलेगा तो हम बीमार पड़ेंगे। कुछ चीज़ें ये भी हैं जिनके कारण हम बीमार पड़ते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि सर्दी खांसी, कफ का रोग और जो हल्का बुखार आ जाता है उसको इस ऋतु में कैसे दूर किया जा सकता है, जो मार्च के महीने में होता जाता है, जो मौसम का बदलाव आता है। और मैं कुछ व्यायाम भी बताऊंगा आपको, कुछ थोड़ी श्वासों क्रिया बताऊंगा जिसको करने से यदि आपको जुकाम है तो तुरंत आपको उससे फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, पहले मैं आपको कुछ औषधि बताता हूँ। आपने हरड़ का नाम सुना होगा। हरड़ का चूर्ण आपको लेना है, लगभग एक चम्मच का चौथा हिस्सा, और उसको शहद के साथ मिलाकर चाटना है। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा होगा, एक तो आपको जो कफ का रोग है उसमें आपको काफ़ी आराम मिलेगा, जुखाम है जुखाम आपका ठीक होगा, खांसी है खांसी में आराम मिलेगा, और आपका हल्का बुखार है उसमें भी आराम मिलेगा। देखिए दोस्तों, खांसी है जुकाम है, यदि आप शुरुआत में इस पर काबू पा लेते हैं तो यकीन मानिए कि आप इसको शुरुआत में ठीक कर लेते हैं। जब ये रोग बढ़ जाता है तो थोड़ा सा समय लग जाता है, तुरंत ठीक नहीं हो पाता है, तो शुरुआत में इस बात का ध्यान रखा कीजिए। अब बात करते हैं जुकाम है तो उसमें कौन सा व्यायाम है जो आपको श्वासों करना चाहिए। देखिए, ध्यान से देखिएगा, जो हमारी नाक है इससे हमें क्या करना है, इस तरीके से आपको देखिए, ऊपर जाते हुए और नीचे आते हुए, मतलब ऊपर जाते हुए आपको श्वास लेनी, नीचे आते हुए छोड़नी, नाक से छोड़नी है, ठीक है। इससे क्या होगा, थोड़ी देर में गर्मी बनेगी और नाक से कफ भी, रुमाल रखे अपने साथ में, जब आता है आपका कफ आता है तो उसको पोंछ लिया कीजिए और आपका धीरे 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 बिल्कुल साफ हो जाएगा। यदि आप रोज ये व्यायाम कर लेते हैं तो आपको जुकाम कभी भी नहीं होगा। अब मैं एक और चीज़ बताता हूँ, यदि आप ये कर लेंगे तो आपको खांसी जो है खांसी कभी भी नहीं होगी। गले से इस तरीके से, जो हमारा ये गला है यहाँ से थायराइड वगैरह या फिर गले की और जो दिक्कत है, गर्दन की पीछे की दिक्कत है, सब इससे ठीक होती है। तो ये दो व्यायाम मैंने आपको बताए, ये आप क्या कीजिए। अब अगला पड़ाव, कोशिश कीजिए कि अपने घर के छतों पर पालक उगा लें और सुबह सुबह खाली पेट पालक खाया कीजिए। इससे आपका खून साफ होगा और खून की मात्रा आपके शरीर में बढ़ेगी, शुद्ध खून, शुद्ध जो खून है उसकी मात्रा आपके शरीर में बढ़ेगी इससे, और जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाएगी। देखिए, सुबह खाली पेट हमें कुछ चीज़ें ऐसी खानी चाहिए जो कि सीधा हमारे रक्त में जाएं और हमारे को उससे फायदा हो, जिससे कि प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए, कोई नुकसान हमारे को ना हो, काफ़ी हद तक आप बच सकते हैं। दोस्तों, मैं हमेशा प्रयोग करता रहता हूं, इस साल ही मैंने प्रयोग किया। पूरी सर्दी मैं बिल्कुल ठंडे पानी से नहाया, मतलब कि वैसे तो मैं नहाता ही रहता हूँ, तो इस बार मैंने कुछ अलग ही प्रयोग किया। मैं पूरी सर्दी बिल्कुल भी 1% गर्म पानी से नहीं नहाया। उसका फ़ायदा क्या हुआ कि मुझे सर्दी खांसी जुकाम ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बुखार भी नहीं हुआ, और बिल्कुल चिल्ड ठंडे पानी में, जो रात का टंकिया पानी होता है उससे, और मुझे कोई हानि नहीं हुई। तो खाने पीने का ध्यान रखिए, और मौसम के साथ साथ उसके साथ साथ बहिए मत, उसके साथ में बहना नहीं चाहिए, मतलब कि थोड़ा सा मौसम बदला हो, बहुत सर्दी है या अभी थोड़ा मौसम बदला बहुत गर्मी है, एसी चला लिया, तो इस तरीके से अपने शरीर को कमजोर मत बनाइए, शरीर को मजबूत बनाइए, तो आपको कोई रोग होगा ही नहीं। तो दोस्तों, मेन बात यह है कि कुछ व्यायाम हो जाते हैं, कुछ सावधानियां हो जाती हैं, और कुछ खाली पेट खाना चाहिए जिससे कि हमारे को फायदा हो।
तो दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कर लीजिए और बेल आइकन नहीं दबाया तो उसको जरूर दबा लीजिए, तभी हमारी नई वीडियो सबसे पहले प्राप्त कर पाएंगे। चलिए दोस्तों आप सभी को नमस्ते, जय श्री राम, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में।